अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं जुनेद हलीम। एक नजर हेडलाइंस पर। लाहौर के इलाके बादामी बाग बम धमाकों के दो जख्मी दम तोड़ गए, 18 जख्मी जेरे इलाज, न्यू अस्पताल के बाहर से मशकूक शख्स गिरफ्तार। बन्नू में पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले के बाद 5 शिद्दत पसंद गिरफ्तार, खुदकुश जैकेट और दस्ती बम बरामद। जनरल जॉन एलन आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जनरल कयानी से मुलाकात करेंगे। ISI चीफ की CIA सेंटर में अमरीकी हुकाम से मुलाकातें, ड्रोन हमले रोकने पर बातचीत। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी, 3 मुलजिमान गिरफ्तार, फायरिंग के वाकयात में 3 अफराद जान बहक। तावान की अदायगी के बाद सोमाली कजाकों ने 7 पाकिस्तानी यरगमालियों को रिहा कर दिया, 24 घंटे में वतन वापस पहुंचेंगे। तौहीन अदालत कानून केस की समाअत आज फिर होगी, कराची के वकला नए कानून के खिलाफ अदालतों का बायकॉट करेंगे। सपना खोसा केस में बेटे को मदद न मिलने पर जुल्फिकार खोसा पार्टी से रूट गए, बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम, फायरिंग के तबादले में 5 शिद्दत पसंद हलाक। और लंदन ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने अर्जेंटाइन को 2 गोल से शिकस्त दे दी, मेडल की उम्मीद बाकी, चीन 17 गोल्ड मेडल के साथ सरे फहरिस्त।